महाविकास आघाड़ी का नेरुल में कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, मनपा चुनाव में जीत हासिल करने का दोहराया संकल्प। नवंबर में मनपा चुनाव को देखते हुए महाविकास आघाड़ी ने मोर्चाबंदी तेज कर दी है। नेरुल में आयोजित महाआघाड़ी दलों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन इसका बड़ा सबूत है। कांग्रेस नेता संतोष शेट्टी की पहल पर आयोजित इस सम्मेलन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, एनसीपी जिलाध्यक्ष अशोक गावड़े तथा प्रभारी प्रशांत पाटिल एवं शिवसेना की महिला संगठक रंजना सिंतरे समेत तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। एनसीपी नेता प्रशांत पाटिल ने कहा कि इस बार चुनाव में 111 सीटों में से 75 सीटों पर महाविकास आघाड़ी की जीत होगी। वहीं कांग्रेस नेता संतोष शेट्टी ने बीजेपी को पछाड़कर मनपा चुनाव में अपना झंडा लहराने पर जोर दिया। नेरुल पूर्व में संतोष शेट्टी साहब ने यहाँ पे महाविकास आघाड़ी कार्यकर्ता का मेलावा रखा था। आज नवी मुंबई में बहुत सारे मेलावे हमारे महाविकास आघाड़ी के हो रहे हैं और बहुत सारा प्रतिसाद महाविकास आघाड़ी को अच्छी तरह से मिल रहा है। आने वाली इलेक्शन में नवी मुंबई महानगर पालिके पे महाविकास आघाड़ी का ही झंडा लहराने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। और 111 में से 75 सीट ये महाविकास आघाड़ी की चुन के आएगी। आज महाविकास आघाड़ी तरफ 9 वार्ड का हम लोगों ने कार्यकर्ता मेला रखा है। इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस का सभी नेते, सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुआ है। कार्यकर्ता को एक एनर्जी मिला है, इसमें एक साथ होकर काम करने का, एक लोगों को आपस में जो किस किस का मतभेद था, पहले एक ज़माने में अलग अलग लड़ते थे, राष्ट्रवादी अलग, शिवसेना अलग, कांग्रेस अलग, आज एक मंच में अपने को लड़ना है, एक टिकट से लड़ना है। इसके लिए लोगों को संबोधित करना, लोगों को एकत्रित करना, ये हमारा महाविकास आघाड़ी का काम है। इसके लिए कार्यक्रम हम लोग ने आयोजित किया। ये कार्यक्रम अभी सभी नवी मुंबई का सभी 8-10 वार्ड में होने वाला है। इसके लिए सबका साथ मिलेगा। आने वाला दिन में महाविकास आघाड़ी का सत्ता शून्य बीजेपी करने का संकल्पना उद्धव जी का और शरद चंद्र पवार जी का, सोनिया गांधी जी का, उसको हम आपको सबको हम लोग को सबको पूरा करना है। बता दें कि नवंबर में ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली कांग्रेस और शिवसेना साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं। इस बार उनका मुकाबला अकेली बीजेपी और गणेश नाई के साथ है, जिनकी मनपा में अब तक सत्ता है। महाविकास आघाड़ी नेताओं ने दावा किया कि इस बार नवंबर में महागठबंधन की ही सत्ता होगी। हालांकि इस सम्मेलन में शिवसेना का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया जो आपसी तालमेल पर बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।